बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं सरदाई, जिसको ठंडाई भी कहते हैं। सरदाई बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक कप कशकाश है, साफ करके भगो दिया है। कशकाश को हमने 4 घंटे के लिए भगो के रखा है। एक कप बादाम है, बादाम का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। बादाम को हमने बॉयल करके फिर इसका छिलका हमने रिमूव किया है। 2 टेबलस्पून सौंफ है, सौंफ को हमने पानी में भगो के रखा है। थोड़ी सी काली मिर्च है साबुत, 6 सबज़ इलायची है, 1 किलो दूध है, 2 कप चीनी है, थोड़ा सा पानी है पेस्ट बनाने के लिए। चले अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राइंडर मशीन के जग पे अब हम चीज़ें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कशकाश डालेंगे जो हमने भगो ली थी। कशकाश का पानी हमने रिमूव कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशकाश को हमने 2-3 पानी वॉश किया है। कशकाश में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया था हमने। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ का पानी हमने रिमूव कर लिया था। सौंफ में हमें पानी इसलिए डाला था क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है या कलर वगैरह इसका रिमूव हो जाए। काली मिर्चें डाल देंगे, साबुत, सब्ज़ इलायची डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनको छान लेते हैं स्ट्रेनर में। इसमें आप जो 4 मगज़ होते हैं वो भी डाल सकते हैं, हमें पसंद नहीं है तो इसलिए हमने स्किप किया है। अच्छे से छान लिया है हमने, ये देखें। अब हम इस सारे बैटर को दोबारा जग में डाल के फिर ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे फिर ग्राइंड कर लेते हैं। हमने सब चीज़ों को दोबारा ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको फिर छान लेंगे। दोबारा हमने इसलिए ग्राइंड किया था ताकि इसका अच्छे से रस निकल जाए। आप लोग इसे कुंडी में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने इसको ग्राइंडर में कर लिया। ग्राइंड की हुई सरदाई जो हमने छान ली है अब हम इसको फिर से जग में डालेंगे। अब हम चीनी डाल देंगे। अब हम दूध डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को फिर से ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। अब हम इसको जग में निकाल लेते हैं। जग में हम सबसे पहले बर्फ़ डालेंगे। अब हम सरदाई डाल देंगे। सरदाई तैयार है, जिसको ठंडाई भी कहते हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। सरदाई तैयार है माशाल्लाह से। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ये बहुत ही सुकून देती है, बहुत ही मज़े की लगती है सरदाई। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।